बीवी बीवी होती है और रखेल रखे। चुप हो जाइए अब, एकदम चुप। दोबारा आपके मुंह से रखेल फकेल जैसे सब नहीं सुनने हमने अपनी लाली की। हमरा बबुआ है तू हमरा शेर है। पर दुनिया नहीं देखी हम देखा हूं दुनिया। वहां बैठ के बांसुरी बजा लेने से दुनिया काबू में नहीं आ जाती। जाए जाके बुला लाइए जबरदस्ती समाज को। हमको कोनो मतलब नहीं है दुनिया से। हम लाली के लिए रसम कर रहे हैं। चाहे तो दुनिया साथ दे चाहे तो ना दे। आप भी आजाद हैं, आप चाहिए तो रहिए या तो जाइए यहां से, कोनो मतलब नहीं हमसे। ये क्या कह दिया? अरे हम तो बहुत खुश हूं भाई। अरे हम नाचूंगा गाऊंगा, कौन रोकेगा हमका? ओ गंगिया तू भी आज नाचे, हम कह दिया आजा। ई लोगन की कंपनी एगो बहुत बड़ा बड़ा कारखाना लगाने का विचार कर रही है, अगर आपकी मदद हो जाए तो। राजेश निगम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्ट्रा स्टील लिमिटेड। एक ही प्रॉब्लम है सर, जमीन तो बहुत है लेकिन गांव बसे हुए हैं। उजाड़ देंगे। एक बार सर ये काम हो गया ना तो हम पूरे गांव में बहुत सारे कारखाने लगाएंगे। अभी बताइए कि आपके औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा गांव आ रहा? हो जाएगा। अरे बस सर, तो ये बात पक्की समझे सर। अब लग रहा है कि आप वाकई बाहर से आए हैं शहरी बाबू, नहीं तो पलट के ये बात नहीं कहते। काहे से गिलवा सिंह एक बार कह दिया तो कह दिया। एक सौदा किए थे कुछ अर्था पहले, अब ओकरा फल खाने का वक्त आया है। हमरे पोते सकल मां अभी नया सौदा वो पुराने सौदे के सभी पाप को धो देगा। आइए हम आपको बगल का गांव में एक छोटा सा निरीक्षण करने लेके चलता। हाँ जरूर आइए। बताइए कि हम लोग कहाँ वहाँ जा रहे हैं, बाकी हमको सब पता है। आप हमको नदी किनारे सैर कराने ले जा रहे हैं ना?
वाह लाली, तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली है। हमरा कुछ कहने से पहले ही सब समझ गई। रेखवा, आज तुमरा गौना हो रहा है रे। भोलेनाथ की कृपा से तुमरे लिए लल्लन जैसा दूल्हा मिला है। पढ़ा लिखा है, ओकरे पास खुद का जमीन भी है। देखना, बहुत ही खुश रखेगा तुमको। बहुत ही याद आती है। ललिया तो हमेशा याद आती रहती है। बाकी पता नहीं कहा है कि अब भाई कुछ दिन से बहुत ही याद आ रही है। कभी कभी तो लगता है ललिया हमको माई माई कह के बुला रही है। रेखा दीदी तैयार हो गई कि नहीं? जल्दी से तैयार कीजिए ना रेखा दीदी को। ईलो, तैयार हो गई तुम्हारी रेखा दीदी। कितनी बड़ी हो गई है रेखो, बहुत ही भाग्यवान है जौन तोरा गोना कर पा रहे। और एक बार मजबूर नहीं है, अपना फर्ज पूरा कर रहे। भोलेनाथ की कृपा है कि कम से कम हम अपनी एक बिटिया को दुल्हन के रूप में देखें। खुशी खुशी विदाई करें। अगर लाली दीदी अभी यहाँ होती तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता। हाँ माई, अगर लाली दीदी होती तो बहुत ही मजा आता। हाँ बाबू, लल्ला दीदी को बुला लीजिए ना, हम भी एक बार मिलो लेंगे जाने से पहले। नहीं रे, ये नहीं हो सकता है, यहाँ से बहुत दूर रहती है वो। पर एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ बाबू, ले आए ना ललिया दीदी को। ललिया दीदी से मिलना है ना, हाँ? आओ आओ मेरे साथ आओ, 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 आओ। हे लाली, उठो। हमरी तरफ से तुम्हारे लिए एक और तोहफा। का तोहफा? जन्म तो जीवन रचती,
चंदा बस यही दीजो अगले ललिया दीदी को बोला ना। अच्छा ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो आओ आओ चलो चलो आओ हाँ देखो बंदा देखो ये लकीर दिखा रही है ना मुन्ना हैं ये टोकरी भर फूल वो लकीर के पार गिर जाएगा ना तो ललिया दीदी पक्का आएगी और अगर एगो फूल इधर गिराना तो लल्या दीदी नहीं नहीं हम फेंकेंगे अच्छा दिखाओ एक दुई ललिया को भी कोई माइक होने वाला बाबू साहब लवली रेखा और मुन्ना मुन्ना को चॉकलेट बहुत पसंद है चॉकलेट तो लाने ही भूल गए लाली ऐसा कैसे हो सकता है हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ना लाएं? लाएं। Yeah. बाबू सर, इधर आइए। हाँ, आइए, आइए। हाँ जी। इधर आइए, आइए। आइए बाबू साहब बाबू साहब हम आप ही को देखे थे लल्या के साथ नेपाल जाते हुए हम और मुन्ना देखे थे आप ही को देखते ही समझ गए थे बाबू साहब बहुत दयालु हैं आप बहुत अच्छे आदमी हैं आप बाबू साहब
सब ठीक है ना बाबू साहेब? हमरा मतलब दरअसल हम आपकी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। पत्नी है अब हमारी। पत्नी से भी ज्यादा दर्जा दिया है अपने आप जिंदगी में आपको। बैठिए। ये बाबू जितना तुमको प्रेम करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेम करते होंगे हमसे। हम बहुत बहुत खुश हैं। तो ठीक है, और क्या चाहिए? ये लवली मुन्ना रेखवा, ये तुम्हारे जीजाजी है। हाथ जोड़ के प्रणाम करो, चलो। एक ही दिन में दो दो जीजाजी? हम दरअसल एहलिए आए थे कि हम चाह रहे थे कि हमारा बच्चा आपका नाती अपना नाना नानी से आशीर्वाद ले ले और अपना मामा मौसी से प्यार ले ले। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, ले लिया। आज ही रेखा का गौना है रे, वो बंसी राम के बेटवा है ना लल्लन, वही के साथ जिंदगी भर खुश रहा। सब खुशी मिल जाए तुमको। विश्वास नहीं हो रहा, एक ही दिन में इतनी खुशी, इतनी खुशी मिले तो मन बहुत ही डराता है। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, खुशी का मौका है, हम भी खुबे दिन आए लाली। हाँ सांझ होने आया है जी, ललन बाबू आए नहीं अभी तक। अरे आ जाएंगे, कौनो काम आ गया होगा। मूंगफली और चाहिए ना? बस बैद जी खुद कहे इसको कि बेटी घी खा, अच्छी तरह खाना खाया कर, पर दिन भर इमली खाती रहती। ललन बबुआ कहाँ आ रहे गए थे, हम कितना परेशान हो गए। मुहूर्त का वक्त जा रहा है ललन। अरे आप गाँवने की बात कर रहे हैं, वहाँ आदेश आया है गाँव खाली करने के लिए। गाँव खाली? वो लोग गुंडा लेके आए और कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पूरा गांव खाली करना पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई गांव खाली करा सकता है, कौन है ये लोग? बाहर खड़े, खुद ही चल के देख लीजिए आप। आइए चलिए देखें। तो समझ गए गांव वालों, 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, ये गांव खाली कर दो अगर जान प्यारी है तो। काहे गांव खाली करा दे? का कौन हो, कौन तुम, और होते कौन हो गांव खाली कराने वाले को? तो जौन हुक्म मिलता है हम तो वो करते, हम तो दूत हैं। केकरा दूत हो भैया?